गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स में। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम, जो कि चौथी कक्षा के लिए है, उसमें से जो सातवां अध्याय है, इसका नाम है दान का हिसाब, उसका जो अभ्यास कार्य है उसके ऊपर हम नजर मारेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न इसका क्या है। तो पहला प्रश्न जो क भाग है वो कहता है कि राजा किसी को भी दान क्यों नहीं करने देना चाहता था। तो उसका उत्तर इस प्रकार से है कि राजा कंजूस था और दिवालिया होने से डरता था, इसलिए वह दान नहीं देना चाहता था। राजदरबार के लोग, अगले प्रश्न है कि राजदरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि राजदरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे और राजा का विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो डांटने और निकाले जाने से डरते थे। अगला प्रश्न ग प्रश्न था कि राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे। उसका प्रश्न, जैसा कि आपने पाठ में भी पढ़ा होगा कि राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं आते थे कि उनका राज्यसभा में सम्मान नहीं होता था, और राज्यसभा में सम्मान न होने के कारण वह जो लोग थे वह राज्यसभा में भाग नहीं लेते थे। तो आगे बढ़ते हैं, घ इसका भाग है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सन्यासी ने सीधे सीधे भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानते थे कि इस राजा दानी नहीं है और वह सीधे मांगने पर दान नहीं देगा। अगला है अंग कि राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सन्यासी ने चलाकी से ऐसी भिक्षा मांग ली थी जिससे राजा का राजकोष खाली होने वाला था, या राजा का राजकोष खाली हो सकता था। तो इस राजकोष को खाली होने से बचाने के लिए या दिवालिया होने से बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। तो आइए आगे, अंदाज अपना अपना, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस प्रकार से कहोगे। कुछ वाक्य इस कहानी या इस अध्याय में आए थे कि दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। इस मुट्ठी बंद हो जाने का अर्थ है कि कोई बहुत कंजूस है, कोई पैसा ना दे पाए या कोई वस्तु ना दे पाए, तो उसको बोलते हैं कि मुट्ठी बंद हो जाना। अगला है ख, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, तो वो बहुत घबरा गया। ग है कि सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई, तो जान में जान आने का अर्थ होता है कि मुसीबत से निकलना। और अगला था कि धन का सागर होना, तो धन का सागर होने का अर्थ है कि बहुत ज्यादा धनी होना। तो अगला था साथी हाथ बढ़ाना, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं, ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों की मदद की जरूरत होती है। तुम लोगों की मदद जरूर कर सकते हो, सोचकर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो आप अकाल परेशान लोगों के लिए खाना खिला सकते हैं, उनको पानी दे सकते हैं, उनको रहने के लिए स्थान दे सकते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तुम्हारे विचार से निम्नलिखित की राजदरबार में क्या क्या जिम्मेवारी होगी। मंत्री राजकाज में राजा की सहायता करते हैं और भंडारी सामान व धन आदि का वितरण करते हैं। आगे चलते हैं, इस कहानी में कहा गया, इस पाठ में कहा गया करण जैसा दानी। सभी ने कहा कि हमारे महाराज करण जैसे दानी हैं। पता करो कि करण कौन थे। तो करण महाभारत काल के एक बहुत बढ़िया धनुर्धर थे, इन्हें सूर्यपुत्र भी
कहा जाता है, इन्हें सूर्य पुत्र कर्ण भी कहा जाता है। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण जैसे दानी का अर्थ है कि पास आए किसी भी व्यक्ति को मांगने पर कुछ भी वस्तु, धन अथवा भोजन देना, कोई बदले में बिना कुछ लिए। दान का अर्थ क्या होता है? दान का अर्थ होता है किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को वस्तु, भोजन या वस्त्र या कपड़े देना, उसे बिना कुछ लिए या बिना कुछ मांगे। लोग किन किन कारणों से दान करते हैं? लोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान करते हैं, पुण्य की कमाने के लिए दान करते हैं, या किसी के मांगने पर दान करते हैं। आगे चलते हैं कहानी और तुम कि ये बोलते हैं कि राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों के लिए करता था। तो वो धन का उपयोग भारी भरकम कपड़ों, अपने खाने पीने और आनंददायक कार्यों के लिए करता था। इसके अतिरिक्त वो महल की साज सज्जा पे भी पैसा लगाता था। और आगे चलते हैं कि अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। अकाल के समय लोग राजा से मदद चाहते थे, वो राजा से धन चाहते थे या अनाज जैसी चीजें चाहते थे। कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत था? तो मेरे विचार से राजा गलत था। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? तो राजा दान देने के अलावा गरीबों को या जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े, उनकी रहने की व्यवस्था कर सकता था और उनकी बीमारी इत्यादि का इलाज भी कर सकता था। पूर्व और पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, एक पूर्व की दिशा और पूर्व का अर्थ होता है पहले। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ दो दो हैं या जिनके दो दो अर्थ हैं और इनका उपयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जैसे पानी पीना, मुझे पीने के लिए जल दो, या जलना, कागज आग में जल गया। इस तरह से मन के लिए इच्छा, विचार, अनुभव और एक मन होता है 40 शेर का वजन। 40 शेर मतलब एक सेल का वजन होता है लगभग 933 ग्राम। तो आगे नीचे दिए गए चार दिशाओं के नाम लिखें।